फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर मिलेगा टिकट काउंटर। यहाँ से आप पहले टिकट लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड फी। यहाँ पर यदि आप गाइड चाहते हैं तो यहाँ पर फीस लिखी हुई है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, निर्धारित की गई है। लैंग्वेज अलाउंस और नंबर ऑफ पर्सन, हाफ डे फुल डे, यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया है, वो आपको चार्ज लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फॉरेनर है उनके लिए 500 है और जो इंडियन है उनके लिए 30 रुपये है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर कुछ लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पश्चिम मंदिर समूह, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, भारतीय नागरिक 30 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिक 500 प्रति व्यक्ति। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर टिकट का जो फीस थी वो कम थी, अब बढ़ा दी गई है, इसलिए वहाँ पर कुछ आपको चिड़ जैसी चपकी दिखाई दे रही है। वीडियो कैमरा शुल्क यहाँ पर लिखा है ₹25 प्रति कैमरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं जोड़ा जाता है। हो सकता है आप, क्योंकि हर कोई ले जाता है, तो जो यहाँ पर 30 रुपये है या 500 रुपये है उसमें ही ऐड हो। तो फ्रेंड्स ये थी एक जानकारी, आपको अंदर जाना है तो यहाँ पर कुछ सूचनाएं लगी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ पेंट किया गया है, पता नहीं किसने किया है, तो यहाँ पर हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। प्रवेश टिकट केवल वितरण वाले दिन ही उपयोग किया जा सकता है। पर्यटक प्रवेश टिकट का पूरा केवल एक ही बार स्मारक परिसर में प्रवेश पाने हेतु अधिकृत है। प्रत्येक प्रवेश की अलग अलग टिकट की आवश्यकता होगी। पर्यटकों से अनुरोध है कि प्रवेश करते हुए द्वारपाल से टिकट पंच करवा कर वापस लें। स्मारक परिसर में अथवा स्मारक से बाहर जाते समय पुरातत्व अधिकारियों द्वारा किसी भी समय आपका टिकट देखा जा सकता है। टिकट न पाए जाने पर पर्यटक को आवश्यक कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। महानिदेशालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली तथा अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल की बिना पूर्व अनुमति के स्मारक परिसर में किसी प्रकार के कैमरा स्टैंड का प्रयोग पूर्णतः निषेध है। स्मारक परिसर में किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र शस्त्र ले जाना पूर्णतः वर्जित है। तो ये फ्रेंड्स एक जानकारी थी, आपने यहाँ पर देखा कि जो आप टिकट लेंगे केवल एक दिन ही मान्य होगा, और यदि आप एक बार अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो यदि आप दोबारा बाहर निकल आते हैं इस क्षेत्र से, तो जब आप दोबारा यदि प्रवेश करना चाहेंगे तो आपको दोबारा टिकट लेना पड़ेगा। आप एक बार अंदर घुस जाइए, आपको जितना घूमना हो घूमिए, वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, और जब आप पूरी तरह से आपको तसल्ली हो जाए तभी बाहर निकलिए, तो आपको दोबारा से टिकट नहीं लेना पड़ेगा, अन्यथा आपको दोबारा से टिकट लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इस तरह की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भोपाल सर्कल भोपाल, तो इस तरह के कुछ यहाँ पर लिखा है। ये यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ रखे हुए संग्रहालय टाइप का है, और यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, ये आपको चेक करेंगे जैसे ही आप अंदर जाते हैं, तो चेकिंग होगी, आपको अपनी जो टिकट है वो दिखानी होगी, यहाँ से पंच करेंगे लोग। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें अंदर ले जाने देते हैं? अंदर सर खाना पीना नहीं जाता है, गुटखा बड़ी नहीं जाता है, धूम्रपान का आइटम, पेपर सार वगैरह नहीं। अच्छा, और क्या ले जा सकते हैं? जो सब स्नैक्स वगैरह हुए। अच्छा, वो चला जाता है सर। अच्छा, नमकीन बिस्किट वगैरह, बाटल वगैरह सब कुछ ले जा सकते हैं, मोबाइल भी ले जा सकते हैं। मोबाइल, ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ जानकारी आपको दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। यह क्षेत्र प्राचीन समय में वत्स के नाम से, मध्यकाल में जजाक भुक्ति के नाम से तथा 14वीं सदी के पश्चात बुंदेलखंड के नाम से विख्यात हुआ। खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है। उनकी राजधानी प्रासादों, तालाबों तथा मंदिरों से परिपूर्ण थी। स्थानीय धारणाओं के अनुसार यहाँ पर 84 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में केवल 24 मंदिर ही शेष हैं। यद्यपि अन्य पुरावशेषों के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे वास्तुखंडों के रूप में आज भी खजुराहो तथा इसके आसपास देखे जा सकते हैं। खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में लक्ष्मण, विश्वनाथ, कंदरिया महादेव, जगदम्बी, चित्रगुप्त, दूल्हा देव, पार्श्वदेव, आदि नाथ, वामन, जवारी तथा चतुर्भुज इत्यादि हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है, यहाँ पर सेम आपको इंग्लिश में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपको जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं आपको ये जानकारी यहाँ देखने को मिलेगी। ये फ्रेंड्स जैसे ही आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ को देखने को मिलेगा। जैसे आप अंदर आते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मंदिर दिखेंगे इस तरफ, और सीधे आपको रास्ता लगा हुआ है, इस तरफ भी आपको मंदिर दिखेंगे, और यहाँ पर एक गार्डन है, लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कुछ, जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं आपको कुछ इस तरह की जानकारी दी जाएगी। आपको यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, यूनेस्को लिखा हुआ है उसमें, ये आप देख लें। ये देखिए इसमें लिखा है, वेलकम टू खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ए वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूनेस्को।
और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लॉट भी मिल जाएंगे। ये वीडियोस सिर्फ आपके लिए है और हमने चाहा था कि आप घर बैठे खजुराहो के मंदिरों को देख सकें। वैसे तो आनंद आपको मिलेगा तभी जब आप यहाँ पर घूमने आएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं LYF लॉन्चिंग योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं खजुराहो टेम्पल्स में और हम आपको वन बाई वन सभी टेम्पल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आज हमारे साथ और देखते रहिए हमारे ये सभी वीडियोज़। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आज दिखाने वाले हैं आपको सभी टेम्पल्स के बारे में। Thank you.